नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे वीडियो चैनल पे जो कंटेंट है वो है एप्लीकेशंस की रिव्यू का। मोस्टली वीडियोस जो हमारे चैनल पे आती है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन को जो है रिव्यू करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस काम वाम बताते रहते हैं। और गाइज़, यहाँ पे जो है आप सभी लोगों के लिए हम जो है कमाल कमाल की एप्लीकेशन ढूंढ के लाते हैं। सो गाइज़, आज का भी टॉपिक कुछ इसी टाइप का, जहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा ऐसे पाँच कमाल के एप्लीकेशन के बारे में, जिससे कि क्या आप अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे, अलग तरीके के काम कर पाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर जो दो तीन एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो होगी कस्टमाइजेशन वाली। मीन्स उस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस को कस्टमाइज़ कर पाएंगे, उसके फंक्शंस को जो है कस्टमाइज़ कर पाएंगे। सो और फिर गाइस, और एक दो कुछ शॉपिंग वाली ऐप है। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो उन सभी एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में जानने में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा दबा दीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप सभी लोगों के सामने, सबसे पहले आप जो है हमारी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वीडियो में क्या है, कौन से कैसे एप्लीकेशन का। दोस्तों, मैं लिस्ट में जो फर्स्ट एप्लीकेशन, उसका नाम है बेवकूफ फैशन शॉपिंग ऐप। सो गाइस, ये एक शॉपिंग एप्लीकेशन है और नाम बेवकूफ है। सो आप ये सोच रहे हो क्या यार, क्या बता रहा हूँ मैं। गाइस, नाम तो यहाँ पे इसका भले ही इरिटेटिंग सा है, बेवकूफ नाम है इसका, बट ये हमें बेवकूफ नहीं बनाता है। गाइस, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है शॉपिंग कर पाएंगे फैशन से रिलेटेड। लाइक गाइस, आपको शर्ट टी शर्ट्स मिल जाएंगी, मैन वुमेंस के लिए जो है कपड़े मिल जाएंगे, और फोन्स के लिए कवर और फिर बैकपैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, मेंस में जाने के बाद फुटवियर, बॉटम वियर, एसेसरीज, ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएगी आराम से। और गाइस, यहाँ पे जो आपको बहुत सारे टी शर्ट्स मिल जाएंगे, और गाइस उसके प्राइस रेंज की बात करें तो गाइस नॉर्मली आप मार्केट से जो खरीदते हैं 200-250-300 रुपये तक के, ऐसे रेंज में भी आपको यहाँ पे टी शर्ट्स देखने को मिल जाएगी। अच्छी खासी डिस्काउंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक हर प्रोडक्ट पे आप देखेंगे 30% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ। और गाइस, कमाल की बात है, यहाँ पर ये सारे पिन कोड्स के लिए अवेलेबल होता है, मोस्टली पिन कोड्स के लिए जो ये अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे जो है आपको इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। और फिर गाइस, यहाँ पे जो सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पे ये लगेगी, यहाँ पे कपड़ों पे भी जो है 15 डेज का रिटर्न पॉलिसी इस एप्लीकेशन के अंदर। और गाइस, अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर फेसबुक से रजिस्टर करके आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली आप इसी एप्लीकेशन की मदद से जो है आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। लाइक गाइस, आप किसी भी कपड़े खरीदना चाहते हैं तो गाइस इसे डायरेक्टली आप इसी एप्लीकेशन की मदद से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और उसका रिव्यू मांग सकते हैं, उससे बातचीत करके पूछ सकते हैं कैसा कपड़ा है। और गाइस, यहाँ पे आपको बैकपैक भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप फैशन से रिलेटेड शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो गाइस ये एप्लीकेशन आप ही के लिए बना है। दोस्तों, मेरी लिस्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है ब्रेव ब्राउजर। सो गाइस, नाम से ही लग रहा है ये ब्राउजर थोड़ा सा ब्रेव है। सो गाइस, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करते हैं, इस ब्राउजर में जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा फास्ट है, और फिर गाइस सेफ है, बिकॉज गाइस बिल्ट इन एड ब्लॉक के साथ ही बना है। सो गाइस, यहाँ पे जो आपको ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, एड्स को ब्लॉक करता है, HTTPS को अपग्रेड्स करता है, और गाइस EST टाइम आपको जो है सेव करता है। सो गाइस, यहाँ पे अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे इसके कुछ फीचर बता दो। गाइस, यहाँ पे आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, मीन गाइस ये जो है एड्स को ब्लॉक कर देता है, पॉपअप्स को भी ब्लॉक कर देता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन अवेलेबल है, ट्रैकिंग प्रोटेक्शन है यहाँ पर, और फिर गाइस स्क्रिप्ट ब्लॉकिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, हिस्ट्री, प्राइवेट टैब, रीसेंट टैब्स, बुकमार्क, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इंटरनेट इसके ब्राउजिंग स्पीड की बात करें तो गाइस ब्राउजिंग स्पीड भी इसके यहाँ पर ठीक ठाक ही है। और फिर गाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे इसका इंटरफेस है वो टोटली ऐसा लग रहा है कि गाइस यहाँ पे बिल्कुल क्रोम जैसा है। सेटिंग्स की बात करें तो गाइस वही बेसिक सी सेटिंग जो कि नॉर्मल सी होती है। और गाइस, यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट ओनेबल कर सकते हैं इनकॉग्निटो, मींस गाइस अगर आपने क्रोम यूज़ करा होगा और उसके थ्री डॉट पे अगर क्लिक करके आपने जो ऑप्शन देखा होगा, तो गाइस सारे ऑप्शंस यहाँ पे वैसे ही है, पूरा इंटरफेस इसका वैसे ही है। अगर आप जैसे कुछ भी सर्च करते हैं तो गाइस यहाँ पे जो ब्रेव मोड ऑन हो जाता है, और फिर गाइस ट्रैकर सेकर्स को जो है ये यहाँ से हटा जाता है, मीन्स आपको एक भी एड्स जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए, मैंने कुछ भी सेंड करता हूँ तो गाइस वो ब्रेव का जो आइकन है वो रेड हो जाता है, और गाइस ये सब कुछ ऑप्टिमाइज करने लगता है, सारी चीज़ों को बचा करके रखने लगता है। और फिर गाइस यहाँ पे जो आप देख लीजिए, आपको आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन भी अपने अकॉर्डिंग जो है लगा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप एक ब्राउजर को ढूंढ रहे हैं, फास्ट ब्राउजर को ढूंढ रहे हैं, ब्लॉगिंग ब्राउजर को ढूंढ रहे हैं, तो ये ब्राउजर आपके लिए बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, मेरी लिस्ट में जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है एंड्रॉइड पी रोटेशन। बेसिकली गाइस, ये बेहद ही कमाल का फीचर है जो कि एंड्रॉइड पी में अवेलेबल है। गाइस, अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो गाइस अभी एंड्रॉइड ओ और एन जो है ढंग से आया नहीं है, उसमें पी आ गया। पी के कुछ फीचर्स आ गए जो कि बहुत ही कमाल का है। लाइक गाइस, इसमें क्या है क्या कि गाइस अगर आप अपने फ़ोन के ऑटो रोटेशन को ऑन करते हैं तो गाइस वो ऑटो रोटेशन जो है सभी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। मीन्स गाइस, आप
कुछ चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम करें और चाहते हैं कि आप बस वहीं पे मैं इस रोटेशन को यूज़ करूँ, तो गाइज वो जो है यहाँ पर नहीं हो जाता। अगर आप ऑटो रोटेशन ऑन करते हैं तो गाइज ये आपके सारे वर्क्स में जो ऑटो रोटेशन वर्क करने लगता है। बट गाइज इस एप्लीकेशन की मदद से जो आप रैंडमली किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करें, अगर आप वहाँ पे रोटेट करना चाहते हो उसे पोर्ट्रेट मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में, तो गाइज ये एप्लीकेशन आपके लिए बेहद ही कमाल का है। बिकॉज यहाँ पे आपको जो है बॉटम साइड में एक रोटेशन टाइप का आइकन देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो गाइज आप जो अपने फ़ोन को रोटेट कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पे आपके सिस्टम के रोटेशन से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। सो गाइज एंड्रॉइड पी वाला फीचर अगर गाइज अगर आप रोटेशन ऑटो रोटेशन यूज़ भी करते तो गाइज होम स्क्रीन पे जो है वो चीज़ जो है वर्क नहीं करता। एंड्रॉइड एम में या फिर एल जो भी ले लो आप, वहाँ पे जो ये वर्क नहीं करता। बट गाइज इस एप्लीकेशन की मदद से जो है यहाँ पे आपको बॉटम में राइट हैंड साइड में आपको एक आइकन मिल जाएगा जिससे आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हो, और गाइज इससे जो है आपके फोन चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो गाइज मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन बहुत कमाल की है। दोस्तों मैं लिस्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है वॉल्यूम पी, जो कि एक वॉल्यूम पॉपअप है, जो कि नॉर्मली अगर आपके फ़ोन में जो आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को वहाँ पे नॉर्मली वॉल्यूम मीडिया जो है आपके स्क्रीन के टॉप पर आता है, और गाइस अलग ही तरीके से आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो होम स्क्रीन पे इस टाइप का वॉल्यूम पॉपअप जो है आपके पास आता होगा, चाहे आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ करते हो इस टाइप से कुछ डिफरेंस होगा। बट गाइस यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वॉल्यूम पी, जिसकी मदद से जो आप इसे वॉल्यूम मीडिया को जो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और वे में कहीं और ला सकते हैं, मीन्स आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो गाइस बेसिकली उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इसके सारे परमिशंस को अलाउ कर देना होगा। जहाँ कहीं भी ये परमिशंस मांग रहे हैं वो सारे परमिशंस आप जैसे यहाँ पर अलाउ कर देंगे, तो गाइज ये सारे परमिशंस अलाउ कर देने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, अलाउ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की को टैप करता हूँ तो गाइज यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम मीडिया जो है पॉपअप जो है ये चेंज हो गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए मीडिया का बढ़ा सकते हैं, रिंगटोन बढ़ा सकते हैं, अलार्म टोन, और फिर गाइज ये कॉल जो टोन है उसे भी बढ़ा सकते हैं। मीन्स गाइज जब भी आप कहीं कॉल करते हैं तभी आप इस कॉल टोन को बढ़ा सकते हैं। बट गाइज अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में तो गाइज ये आपको कहीं भी यूज़ कर पाएंगे, और गाइज इसे अगर यूज़ करेंगे तो गाइज आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अलग सा फोन यूज़ कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन आपके लिए हो जाएगी। सो गाइज मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन। तो मैं लिस्ट में जो लास्ट और बेहद ही कमाल की एप्लीकेशन है उसका नाम है फू व्यू फ्लोट व्यूअर। मीन्स गाइज यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे एक मैजिक फ्लोटिंग बटन मिलेगा जो कि आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाई कर देगा और फिर आपके टाइम्स को भी जो है यहाँ पे सेव कर देगा। सो गाइज अगर आपको मैं इसके फीचर्स की बात बताऊँ तो एक ही करके अगर मैं फीचर बताऊँगा तो मुझे एक से डेढ़ घंटे की ये वीडियो बन जाएगी, बिकॉज गाइज इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं एक एक करके आपको नहीं बता सकता, और गाइज बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज, FTTP विंडो, और फिर यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है, थीम्स चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डेमो वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स की बात करें तो गाइज गेस्चर, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें जो आपको इनबिल्ट मिल जाती है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो गाइज ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही कमाल है, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर इनबिल्ट मिल जाता है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं किसी भी रैंडम चीज़ की अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर गाइज यहाँ पे जो है डायरेक्टली आप फ्लोटिंग आइकन से किसी भी एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी एप्लीकेशन की मदद से, इनबिल्ट है इसमें, मल्टीपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैसेजिंग, और जितने भी एप्लीकेशन आप किसी भी एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं सिंगल हैंड को यूज़ करके। और फिर यहाँ पे अगर स्वाइप अप करते हैं तो गाइज यहाँ पे इसके मेन मेन्यू पे चले जाएंगे, स्वाइप राइट करेंगे तो बैक चले जाएंगे, स्वाइप डाउन करेंगे तो गाइज नोटिफिकेशन आइकन को जो आप यहाँ पे ले आएंगे, और गाइज अगर इस आइकन को ले जाएंगे कहीं पे होल्ड करेंगे तो गाइज आप वहाँ पे किसी भी चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और गाइज गिफ्ट फाइल भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। सो गाइज कुछ टाइप की थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ घंटा भी दबा दीजिए।